तो जी एक बार हम फिर से लेकर आए हैं आपको पटना के फेमस सिंह होटल में, और ये होटल अपने मटन के लिए काफ़ी फेमस है। पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था तो इनका मटन बनाने का स्टाइल हमें काफ़ी यूनिक लगा था और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगा था, तो हमने सोचा कि एक मेकिंग की वीडियो बनाई जाए पूरी रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो में आपको यहाँ की सिंह होटल की पूरी रेसिपी दिखने वाली है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है इसका मैंगलस रोड, पुरानी सचिवालय गेट नंबर 13 के पास ये होटल पड़ता है, सिंह होटल। तो अब चलिए रेसिपी देखते हैं शुरू से एकदम मेकिंग, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मटन बनाने के लिए सबसे पहले मसाले को भूंजा जाएगा और उसके लिए कढ़ाई में 3 kg सरसों का तेल डाला गया है, और उसके साथ अब इसमें फोरन के लिए लाल सूखी मिर्च, तेज पत्ता और जीरा डाला गया है। फोरन के साथ ही अब इसमें अदरक लहसुन की कुटी हुई पेस्ट डाली गई है, और अब इसमें जा रहा है अपना थोड़ा सा प्याज। अब इस सभी को एक साथ पहले अच्छे से भुना जाएगा, और उसके बाद अब ये देखिए इसमें सबसे पहले 500 ग्राम हल्दी पाउडर डाली गई है, और अब थोड़ी देर चला के इसमें 700 ग्राम धनिया पाउडर और फिर 500 ग्राम काली मिर्च पाउडर, और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला जा रहा है ताकि मसाला जले ना, और अब ये लास्ट गई इसमें अपनी लाल मिर्च पाउडर। अब मसाले को लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई किया जाएगा, और अब इधर देखिए यहाँ पे 25 केजी मटन को 25 केजी प्याज के साथ 2 लीटर तेल, स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर डाल के इसको हाफ बॉयल किया जा रहा है, और ये अब इधर अपना मसाला भी फ्राई होकर तैयार हो चुका है। अब इसको मटन में डाल के अच्छे से पहले मिला दिया जाएगा, और उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको ढक के छोड़ दिया जाएगा। 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस रहता है जिसमें इनका पूरा 25 केजी मटन बनके तैयार हो जाता है, और 1.5 से 2 घंटे में पूरा ख़त्म भी हो जाता है। तो ये है भाई यहाँ के मटन का क्रेज। तो अब देखिए मटन में मसाला मिला के ढके हुए पूरे आधे घंटे हो चुके हैं, और अब अपना मटन बनके पूरा तैयार हो चुका है। अब इसमें गरम मसाला, कस्तूरी मेथी और मीट मसाला डाल के इसको उतार दिया जाएगा। और यहाँ पे आप मटन का क्रेज देखिए भाई साहब, अभी तुरंत उतारा ही गया है कि इतनी सारी प्लेटें लगनी शुरू भी हो चुकी है। ओह बाय द वे, आपको यहाँ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए स्वाद के साथ। Thank you.